वर्का इन दिनों जारी चुनावी माहौल में योगी की एक रैली में लोगों की भीड़ कम होने पर हरियाणा के विज ने आपको बता दें कि प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में बसते हैं। वहीं उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़े जाने और कड़ी टक्कर देने के सवाल पर आपको धोखे से बनी पार्टी बताया। साथ ही सीएम चन्नी की ओर से पंजाब में बिहार यूपी के लोगों की एंट्री बंद करने के बयान और इस पर प्रियंका गांधी के ठहाके लगाने को भी शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने प्रदेश में जारी प्रदर्शन, नगर निगम चुनाव और बदमाशों पर नकेल कसे जाने का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गुंडागर्दी को दफन कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रात को भी माँ बहनें खुले से कहीं जा सकती हैं निर्भीक होकर। लोगों को सबसे पहले अपनी जिंदगी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें। वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे के मूवमेंट में उन्होंने उसका लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखकर। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और चन्नी का ये बयान और प्रियंका गांधी का उस पर ठहाके लगाकर हंसना, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसका मैं कहूँगा कि पंजाब की जनता इनको जवाब दे, चुनाव की वोट चाहिए। देखिए, आजकल भर्ती चल रही है, लगभग 1250 डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती हो रही है। और ये भर्ती होने के बाद कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। चुनाव को लेके पार्टी अध्यक्ष जी सबकी ड्यूटियां लगा रहे हैं और हम सारे अपनी ड्यूटियां करेंगे और पूरी की पूरी नगर पालिकाओं में और परिषदों में और जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे हम विजय पत्र। 2-3 सप्ताह पहले सारे प्रदेश के जो पुलिस कप्तान हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उच्च पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मैंने मीटिंग लेकर उन सबको कहा है कि बदमाशी को बिल्कुल दफना दिया जाए, ख़त्म किया जाए बदमाशी को। और जो भी जुआ, सट्टा, शराब, इलीगल वेपन के जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर दबिश लगाएं और हर हफ्ते मुझे उसकी रिपोर्ट भेजिए। मुझे रिपोर्ट भेजी जा रही है हर हफ्ते। और जो थानों में केसों की पेंडेंसी है उसकी भी मैंने ड्यूटियां लगा दी कि कितने दिन के बाद कौन जिम्मेवार होगा। और मैंने उसका एक पोर्टल बना दिया और उसको मैं खुद जो है मॉनिटर करूंगा। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आप ये बयान सुन रहे थे।